पर और जिस चीज का सबको इंतजार था सीबीएसई के एग्जाम की डेट शीट, यानी कि आपसे सीबीएसई ने कहा था कि हम आपके एग्जाम कराएंगे, तो सीबीएसई ने बताया है कि सीबीएसई जो आपके रिमेनिंग एग्जाम है, जो 29 सब्जेक्ट के एग्जाम थे, 12th के कुछ एग्जाम रह गए थे और 10th के हमारे नॉर्थ ईस्ट साल के जो एग्जाम होने हैं वो जुलाई के फर्स्ट वीक यानी कि फर्स्ट टू वीक में कराए जाएंगे, यानी कि 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में आपके एग्जाम कराए जाएंगे और जो इनका रिजल्ट रहेगा वो एक्सपेक्ट रहेगा अगस्त के एंड तक। बहुत लंबा खिंच गया। अब इस चीज से ये दिक्कत मत रहना कि आपका जो नेक्स्ट सेशन है वो भी लेट शुरू हुआ। सबका सब इंतजाम किया जाएगा, सीबीएसई बहुत जल्द इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी डालने वाला है। जो हमारी आईआईटी के जो रिजल्ट आएगा जेई का, उससे पहले ही आपका सीबीएसई का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा क्या कि जो हमारा सीबीएसई है, सीबीएसई को 12th के जो पेपर लेने हैं वो फर्स्ट टू वीक्स ऑफ जुलाई में ले लिए जाएंगे, यानी कि एक्सपेक्टेड है कि 1 तारीख से लेके 15 जुलाई के बीच में आपके जो 12th के रिमेनिंग एग्जाम है वो कंडक्ट कराए जाएंगे, है ना। तो ये सीबीएसई की तरफ से अपडेट है। बात करी जाए कौन कौन से पेपर होने हैं, तो बेटा आपका बिजनेस स्टडी, ज्योग्राफी, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, होम साइंस, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस ओल्ड, कंप्यूटर साइंस न्यू, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस न्यू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी है, ठीक है, यार 12th की बताई। और जो आपका रही रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट आपके अगस्त के एंड में आने की संभावना है। तो ये सीबीएसई की तरफ से अपडेट था जो फाइनली आज रिलीज हो चुका है। किस डेट को कौन से एग्जाम होने हैं वो भी आपके सामने जल्दी आने वाले हैं, मे बी 1-2 दिन के अंदर ये डिसाइड करके शायद आ जाए, या आपको अब तो संतुष्ट हो गए होंगे कि यार ऐसा होने वाला है, है ना। तो पेपर होने वाले हैं आपके जुलाई के फर्स्ट टू वीक में, आपके पेपर कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, प्लस उसके बाद क्या होगा, जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो अगस्त यानी कि, है ना। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इतनी डिटेल थी तो मैं दे दी। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, शेयर करना ना भूलना, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।